भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा लालकुआं पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाया गया। लालकुआं में आयोजित अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा की नुक्कड़ सभा में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को विपक्षी पार्टियां भ्रमित कर रही हैं, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम देश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा से अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आएगी। बता दें कि यात्रा का समापन 10 फरवरी को विकास नगर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% दिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको इस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और एक ज़माने से आज़ादी के बाद ही से मुसलमानों को कहा गया, इस देश में जब कभी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर बड़े बड़े दंगे होंगे। तो हमने देखा, सबों ने देखा, न कोई बड़े दंगे हुए, न किसी एक मुसलमान को निकाला गया। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को इसका लाभ हो रहा है। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर लाभ लिया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, सारी योजनाओं पर लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से हम कह रहे हैं, 400 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, और उनके संकल्प पूरा करने के लिए जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुत बड़े बड़े रहता है, जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए